नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट अर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैकशरणम जीया श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार से भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाय भय सिद्ध परमात्मा मनो मन बच का ओम नमः। सर्व अर्थों में अर्थ माने द्रव्य, अर्थ माने गुण, अर्थ माने पर्याय। इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट तत्व है तो आत्मा है। जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा को नहीं जानता क्या मतलब है? बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम आत्मा को नहीं जानते, अनात्मा को तो जानते हैं। नहीं, अनात्मा को आत्मा जानता है। अनात्मा को अनात्मा जाने तब अनात्मा का ज्ञान सच्चा है। शरीर को अजीव जाने तब शरीर का ज्ञान सच्चा है। ये शरीर को तो मैं मानता है, मेरा मानता है, तो अनात्मा को क्या जाना? रागादिक आश्रव भावों को दुखरूप दुख का कारण जाने तब वो ज्ञान सच्चा है। रागादिक भावों को सुखरूप सुख का कारण माने तो ज्ञान सच्चा कहाँ है? और मिथ्या ज्ञान तो अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि अज्ञान होगा तो वह ज्ञानने के लिए प्रयत्न तो भी करेगा, ज्ञानी जनों से विनय करेगा, पूछेगा, समझेगा, उद्यम करेगा, लेकिन अज्ञानी होते हुए मिथ्या ज्ञान वाला जीव तो अपने को ज्ञानी माने बैठा है ना, तो वो तो सन्मुख भी नहीं होगा। उसके हृदय में मान होगा, विनय नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, एक मिथ्या संतोष होगा। हम सब जानते हैं। वैसे ही चले आए, इच्छा पूर्ति के लिए चले आए, वैसे ही चले आए, दिखाने के लिए चले आए, इच्छा पूर्ति करने के लिए चले आए। अरे हम दोषों की निवृत्ति के लिए आए हैं, ये बात उसको नहीं आएगी भगवान की। कैसे आए? वैसे ही चले आए। हमारे पिताजी आते थे, सो हम आ गए। नियम है हमारा, सो हम आ रहे हैं। तो भाई कैसे आए? तो वैसे ही चले आए, मिलने चले आए। मिल सकते ही नहीं, मिलने क्या चले आओ? मिल सकते हैं दो द्रव्य है? समझने आओ, सीखने आओ, जिज्ञासा लेकर के आओ। मिलने आए, मिलना कैसे होगा? ऐसे ही मिलवे चले आए, मिलने चले आओ। मिलना होता है कहीं, तो फिर मिलने कैसे आए? भिन्न भिन्न जानने आए हैं। बता भगवान के पास का है? भिन्न भिन्न जानने आए हैं भगवान। अनादिकाल से हम देव और आत्मा को मिला हुआ जानते रहे, आज आपके पास भिन्न भिन्न जानने आए। और आपके पास भिन्न भिन्न जाना है तो आप भिन्न भिन्न होने आए, भिन्न भिन्न रहने आए, मतलब भिन्न भिन्न रहने की कला सीखने आए। कहा था ना, मंदिर खाली हाथ आना नहीं और खाली हाथ जाना नहीं। लेकिन ये हाथ तुम्हारे नहीं है, इनमें चावल ले आए, चलो ठीक है चावल, अब लेके कहा जाओगे ये बताओ? एक चीज उठा ले जाओगे मंदिर का?
लेकर के तो तुम आए। हम ये कह रहे हैं ना खाली हाथ आना ना खाली हाथ जाना। जिज्ञासा लेकर के आना और समाधान लेकर के जाना, संसार से थकित होकर के आना और मुक्ति का मार्ग लेकर के जाना, निराश होकर के आना, होकर निराश सब जगवा और आशावान होकर के जाना, विश्वास लेकर के जाना। कहा था ना ज्ञानी पहले से ही निराश होता है, उसे किसी की आशा ही नहीं है, इसलिए वह कभी निराश नहीं होता। अज्ञानी पहले तो आशाएं, हमें तुमसे बहुत आशाएं थी, अब आशा पूरी नहीं हो इसे निराश हो गया। अरे पहले से ही आशा नहीं रखो, आशा त्यागो, कोई सुख देगा तुम्हें, देने लेने में प्रभु भी तो असमर्थ हैं, लक्ष्य प्रभु का तजो, ध्यान प्रभु सम धरो, आत्मा आत्मा में सुमरते रहो, ज्ञान ही सुख है राग ही दुख है, ज्ञान करते रहो राग तजते रहो। क्या लेकर के आना मंदिर में? जिज्ञासा लेकर के आना। क्या लेकर के जाना? समाधान लेकर के आना। इधर उधर से भटका हुआ रोगी कभी जब वैद्य के पास जाता है, वैद्य जी हम तो भटक भटक के थक गए, बड़ी आशा से आए, अब तो आ भाई हो, बहुत तकलीफ है, कोई है ऐसा उपाय बताओ जो तकलीफ मिटे। निराश होकर के आता है, उसकी भाषा अलग होती है। अजमाए भी आए तुम्हें अजमा ले, कछु हो तो हो जाएगा नहीं तो ठीक है, ऐसा नहीं, निराश होकर के आए। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो उतर जाए, अब तो भगवान तुम्हें, निराश हो जगत में दूसरा कोई नहीं। आत्मा उत्तम तत्व है, ऐसा उत्तम तत्व है तो है सत, जैसे अन्य द्रव्य सत है ऐसे ही आत्मा भी सत है, लेकिन ये कैसा कथन है आत्मा उत्तम तत्व है? बोलो प्रयोजन परक, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए आत्मा उत्तम तत्व। और आत्मा उत्तम तत्व है मतलब अपना आत्मा अपने लिए उत्तम तत्व, ये समझ लेना। आत्मा उत्तम तत्व है मतलब सिद्धों का आत्मा उत्तम तत्व है उनके लिए आदर्श देखने समझने के लिए, लेकिन आत्मा अपना आत्मा अपने लिए उत्तम तत्व है। क्यों? अपने आत्मा को का जो प्रयोजन सुखी होना आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकता, अपने प्रयोजन की सिद्धि अपने आश्रय से होती है, इसलिए अपना आत्मा अपने लिए उत्तम तत्व है। जिससे जिसकी प्यास बुझे वही उसके लिए उत्तम। हमें उस करोड़पति से क्या काम, हमारा काम तो इनसे निकलता है जी, छोटे से व्यापारी से हमें क्या लेने देने। हमारा प्रयोजन हमारे आश्रय से सिद्ध होता है, इसलिए हमारे लिए हमारा आत्मा उत्तम, तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा उत्तम। सील माने एक में संतुष्ट होना नहीं, सील का अर्थ एक में संतुष्ट होना नहीं है, सील का अर्थ अपने पति में संतुष्ट होना है, चाहे किसी एक में संतुष्ट होना नहीं। कभी किसी एक में कभी किसी एक में संतुष्ट तो क्या करें, वो चाहे कोई हो जाएगा, इससे क्या मतलब। अपने पति में संतुष्ट होना,
देखो पुरुष अनेक हैं लेकिन शीलवती स्त्री के लिए पति एक है। जीव अनंत हैं अनंत, लेकिन अपने लिए अपना आत्मा समझ में आया। अभिमान करने के लिए थोड़ी उत्तम है, हम श्रेष्ठ हैं और तुम सब बेकार हो। तुम कुछ हीन हो हम ज्यादा हैं ऐसा मत समझ लेना कभी, ये तो महामान की भाषा है। जब तुम्हें ये विकल्प आया है हम किसी से कम नहीं है, हम काय को सहें हम काय को करें, अरे रे प्रभु तो ये विचार कर लेना हमसे भी कम कोई नहीं है। सर्वजीव है सिद्ध सम, कौन से नए से देखते हो? जब तुम्हें ये लगे हम किसी से कम है, हम किसी से कम नहीं है, तो ये सोच लेना ये विचार कर लेना हमसे भी कोई कम नहीं। काय बात में कम है, जिन जिन के लक्ष्य से दूसरे कम दिखाई देते अपन अधिक दिखाई देते वे तो अपने हैं ही नहीं, भिन्न है न्यारे हैं। इन पे पैसा कम है हम पे ज्यादा है, अरे ये पैसा तुम्हारा ना इन पे ज्यादा है ना तुम पे कम है, पैसा है ही नहीं, पैसा न्यारा है। इनका छेवसम कम है हमारा ज्यादा है, अरे छेवसम हमारा स्वरूप है ही नहीं, ये भी सहज ज्ञान स्वरूप है, मैं भी सहज ज्ञान स्वरूप हूं। ये पहले जन्मे हम बाद में जन्मे, या हम पहले जन्मे ये बाद में जन्मे, अरे हम जन्मे ही नहीं है, हम अनादि अनंत है, ये भी अनादि है। जब तुम्हें ये विचार आए हम किसी से कम नहीं है, तो ये सोच लेना हमसे भी कोई कम नहीं है। हम क्यों सहन करें, जब ये विचार आए तो ये सोच लेना सहन करने में अपना हित है, अपने हित के लिए सहन करें। मार्गाच्यवन नजरार्थम परसो डब्या, अर्थ बोलो, शब्दार्थ बोल दो बढ़िया। मार्गाच्यवन नजरार्थम परसो डब्या परिसह, मार्ग माने मोक्ष मार्ग से, हित के मार्ग से। अगर तुम सहन नहीं करोगे तो हित के मार्ग से डिग जाओगे, चले जाओगे, भटक जाओगे। हम क्यों सहन करें कि हमें अपना हित करना है, है? रोगी ने कहा है, रोगी से डॉक्टर ने कहा गर्दन सीधी रखना, खांसना नहीं, आंख खराब होगी, दो मिनट रुकना। हम क्यों सहन करें, हमें तो करवट बदलने तो बदलेंगे, हलने तो हलेंगे, तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी। ग्राहक की दो बातें सहन नहीं करो व्यापार कैसे कर पाओगे लौकिक में? हम क्यों सहन करें, जब तुम्हें ये विकल्प आए तो सोच ले हमारे पास तो पैसा है, क्या पैसा से हित नहीं होगा? हमारे पास तो हमारी व्यवस्था है, हम अपने घर में रह लेंगे, हमारे घर में क्या कमी है? तेरे घर में कमी ये है, वो घर तेरा नहीं है और न तेरा हो सकता है। तेरे घर में, हमारे घर में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है? तेरे घर में भगवान आत्मा की चर्चा होती है? तेरे घर में तुझे तेरे नाम लेने वाला भी कोई है? मोह में मरता है शायद अभिमान में। हमारे घर में क्या कमी है, हम तो अपने घर चले जाएंगे, घर रह लेंगे। अरे रे पागल, घर की ठसक दिखाता है? जिस घर में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई बेटा कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई भैया कहता है, कोई ताऊ कहता है, तेरा नाम लेकर के पुकारने वाला है कोई? वो आत्मन कहने वाला है घर में कोई?
ये आंसू पहुंचने वाला है, लेकिन संसार दुखों से बचाने वाला है कोई? अभी मां आएगी सो ऐसे पहुंच लेगी, काय रो रही क्या बात है, वो अपने कपड़े से पहुंच देगी, अपने हाथ से पहुंच देगी, हो सकता ये मोह के काम है। लेकिन ये बता है, नरक के दुखों से, तीन इंच के दुखों से बचाने वाले ये गुरु हैं तेरे, ये भगवान है। हमारे घर में क्या कमी, तेरे घर में तेरा है, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, और तो दूर की बात है, तेरे घर में तेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। जाना होगा उस क्षण ही, एक क्षण ज्यादा नहीं रुक पाओगे, डॉक्टर खड़े रहेंगे, बच्चे खड़े रहेंगे, पैसा पड़ा रहेगा, एक क्षण नहीं रुक पाओगे, गिर जाओगे। ओम नमः, क्या हो हमारे घर में क्या कमी है। यही तो चर्चा, ये तात्विक चर्चा नहीं समझना चाहते। रावण पूछता है सीता में क्या कमी है, अरे सीता तेरी न है न हो सकती है, सीता तेरी, सीता के लक्ष्य से तेरे परिणाम मलिन हो रहे हैं। पहले तो सीता का मिलना असंभव है, कदाचित मिल जाए तो सुख नहीं होगा, कदाचित सूर्य पश्चिम में उदित हो जाए तो भी हिंसा में धर्म नहीं है। इस शैली में कहा, सीधा पहले मिलना ही असंभव है, फिर कदाचित के प्रश्न ही नहीं है। अपना हम तो चाहे कहीं रह लेंगे, हमें तो इतनी औकात है, इतनी हमें हुनर है, तुम चाहे कहीं रह लोगे, रह के बता, जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र में जिस द्रव्य को जिस क्षेत्र में जितने काल रहना उतने क्षेत्र वहां रहेगा, चाहे कहीं नहीं रह लोगे, एक क्षण ज्यादा नहीं रह पाओगे, एक क्षण ज्यादा नहीं रह पाता। एक बेचारा जेल में पकड़ गया, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया उसको, अब महीने दो महीने रहा, चलो यहां रोटी की व्यवस्था है, अपने काम कर रहे, रोटी तो मिल रही, बेरोजगार था, परेशान था घर, अब सजा पूरी हो गई दो महीने, कोई विशेष अपराध था नहीं, तो उन्हें कहा भाई सजा पूरी निकलो, अरे भैया यहीं रहे बने रहने देते, सच्ची बात है, यहीं बने रहने, सजा पूरी हो गई, एक क्षण भी नहीं रह पाओगे, ये आयु कर्म पूरा हुआ, एक क्षण भी नहीं रह पाएगा, घर 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 दिखाता फिरता है। चक्रवर्ती से ज्यादा सुंदर महल है तेरा, वहां से ज्यादा वैभव है, जरा दो चार पैसा हो गए, जरा लाड़ प्यार मिल गया, घर 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 याद आता है, घर याद नहीं आता, उल्टे दौड़ते हो, पीठ दिखाते हो युद्ध क्षेत्र में आकर के, काहे जब यहां आ गए घर छोड़ के आ गए हैं तो अब घर की याद क्यों करते हो, घर की याद करो आप तो क्यों। अरे हमारे वो राष्ट्रीय गीतों में भी लिखा है, जिन्होंने घर को घर लौटे आए, घरे भगे आए, उनको याद किया है, याद उन्हीं की कर लो, अब समझ लो देश प्रेम पर देश की रक्षा के लिए निछावर हो गए, उनको भी तो याद करो, उनके भी मतलब तुम घर के मोह में, पत्नी के मोह में, भोगों के मोह में, बाल बच्चों के मोह में देश की उपेक्षा कर रहे हो, धर्म की उपेक्षा कर रहे हो, उनको भी याद करो, ये लौट के घर नहीं आए, काय के लिए, देश के लिए, विचार करो, वंदना करते समय उनको भी याद करो जो लौट करके नहीं आए, वहीं से सिद्धालय में सिद्ध हो गए,
गिरनार पे नेमनाथ को याद करो, गिरनार पे भी तुम घर की याद करोगे, वहां गए धर्मशाला में कमरा उमरा ठीक, अरे बेकार है, चलो अपने घर। अच्छा भैया चले जाओ, हम क्या करें, वंदना करने आयो उनको याद करो, जिनके जो कोठरी में भी, जिनके लिए कोठरी भी नहीं थी, जब नेम कुमार आए थे दीक्षा लेने के लिए यहां पर गिरनार पर, तब एक कोठरी भी नहीं बनी थी वहां, सोचो समझो विचार करो, समझदार आदमी कहे का करने रात भर रुकने बने रहे हम तो अकेलो बहुत, जब जब अलमारी में रखे सामान, चलो कोई बात नहीं वही ना लेंगे, वंदना करो चलो सवेरे पहले, अपने प्रयोजन की सिद्धि सोचते हो कि दुनिया की बातें सोचते हो, हम क्यों सहन करें, बोलो हम क्यों सहन करें, हमें अपना हित करना है इसलिए सहन करें, विद्यालय का अनुशासन क्यों सहन करें कि हमें पढ़ना है, अस्पताल का अनुशासन क्यों सहन करें, हमें स्वस्थ होना, इलाज कराना है हमें, क्यों भाई, देखो भाई गाड़ी भरी है सीट तो है नहीं, लेटे लेटे की सीट तो मिलेगी नहीं, बैठने की क्या हो तो बैठने की भी नहीं है, अब जाने हैं हमें, खड़े खड़े चले जाए, क्यों सहन, हम क्यों खड़े खड़े जाएं, नहीं जाओ उतर जाओ, हम कौन मने, हम का कह रहे तुमसे खड़े खड़े जाओ, हमको लेटने की सीट दो तो हम जा सकते, नहीं हम नहीं आए, मत जाओ ना, लेटने की सीट है ही नहीं वहां, हम कहा कर ले, हम कहां से दे, घरे लेट हो जाओ आराम, परिसे बेसहन करते हैं जिन्हें अपना हित करना, और हित पर दृष्टि है उनको परिचय खेद उत्पन्न नहीं करते, उनको परिचयों की परवाह नहीं होती, भगवान आत्मा उत्तम तत्व है, उत्तम अर्थ है, उत्तम अर्थ अब आगे क्या कहना है, काय को ये कही, जब आत्मा उत्तम है तो आत्मा का अनुभवन उत्तम अनुभवन है, उत्तम ज्ञान है, आत्मज्ञान ही उत्तम ज्ञान है, आत्मदर्शन ही उत्तम दर्शन है, आत्मा का आत्माचरण स्वरूपाचरण ही उत्तम आचरण है, और आत्मचिंतन ही उत्तम चिंतन, ये कह रहे उत्तम स्वात चिंता क्यों, क्यों भाई, जब आत्मा उत्तम है तो आत्मा का चिंतन भी उत्तम चिंतन है, आत्मचर्चा उत्तम चर्चा है, शरीर की चर्चा, भोगों की चर्चा, खाने पीने की चर्चा, बैठने उठने की चर्चा है, बताओ अधम है, और बने ऐसो करो, वो ऐसो बने ऐसो करो, उनका कर अधमाधम, समझ में आया ना, उत्तम स्वात्म चिंता, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे मोक्ष अधिकार में, क्यों बंध चिंता से नहीं छूटेगा, चिंता से बंध नहीं छूटेगा, और बंध की शास्त्रों से जानकारी तुमने कर ली, क्या करो तो जानकारी, अभी तो शास्त्र की जानकारी भी नहीं है, बंध किसे कहते हैं सूत्र से बोलो, मिथ्या दर्शनी दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय बंध ही तो वाह, हाँ आगे बोलो, सकसायत्वात् कर्मणो योग्यान उद्ग्रहण हिंदी बोलो, सकसायत्वात् सकसायत्वात् जब जीव कसाय सहित होता है, सकसायत्वात् आदत देता नहीं है, आदत देता है आदान,
उसको बंद कहते हैं। दृष्टांत बोलो, जैसे लोहे का गर्म गोला पानी में जाए तो सर्व ओर से पानी को सोखता है, ऐसे कथाओं से तत्तार मान जीव चारों ओर से कर्म बरगनाओं को खींचता है। कथायत्वात् कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंध। उस बंध के चार भेद हैं, प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रगति बंध बोलो, कर्म के स्वभाव को प्रगति कहते हैं। ज्ञान वर्ण का स्वभाव क्या, दर्शना वर्ण का स्वभाव क्या, मोहनी का स्वभाव क्या, अब क्या क्या बोलते हैं, अर्थ सहित बुला करो तो काम बन जाए। ये वक्ताओं को ये शरीर छोड़ देना चाहिए। प्रगति का, प्रगति बंध का स्वभाव क्या, ज्ञानवरण का स्वभाव क्या, इसकी जगह ये बोलो ज्ञानवरण का स्वभाव ज्ञान पर आरोपण करने का है, ज्ञान को रोकने का है। दर्शनावरण का स्वभाव दर्शन को रोकने का है। मोहनी का स्वभाव अपने को स्वरूप को भूलने का है, भटकाने का है। अंतराय का स्वभाव विघ्न करने का है। निमित्त निमित्त कथन है, व्यवहार के कथन है, व्यवहार न्याय की चर्चा है सब। बंध की कथा व्यवहार न्याय का विषय है। भगवान आत्मा सदा निर्बंध है, शुद्ध न्याय का विषय है। अरे बोलते तो जाओ, बेदनी का स्वभाव सैद लपेटी दरबार, सुख दुख की सामग्री प्रदान करने का है। आयु कर्म का स्वभाव बेड़ी के समान रोके रखने का है, शरीर में रुका रहता है उतने टाइम तक जितनी आई है। खूब तड़प है, भगवान आप छोड़ा, आप माटी समेटो, वे नहीं समेट रही, वो वहीं वहीं अटका विचार चिल्ला रहा है। तो अभी आयु पूरी हो गई, कैसा हूं बच जाए, कैसा हूं बचा ले, न कोई बच पाए ना बचा पाए। आयु कर्म बेड़ी के समान है। नाम कर्म है, चित्रकार नाना प्रकार की शरीर की रचना, गोत्र कर्म कुंभार छोटा बड़ा घर, प्रदेश बंद कारमण बरगना की जो आई है ना, उनकी संख्या कितनी है, कितनी आई प्रदेश बंद, स्थिति बंद कितने काल तक रुकेंगे, और अनुभाग बंद उसका फल कैसा होगा। तुमने आगम से जान लिया, नहीं छूटेगा। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं बंद के मोक्ष की, बंद की चिंता से मोक्ष नहीं छूटेगा, और बंद की जानकारी मात्र से मोक्ष नहीं छूटेगा। ज्ञान शब्द लिखा है ना, बंद के ज्ञान मात्र से तो बंद का निरोध होगा, लेकिन वो ज्ञान आत्मज्ञान होगा, उसमें बंद भिन्न दिखाई देगा, वो उसका नाम ज्ञान। हम यहां इसलिए ज्ञान को नाम जानकारी कह रहे, आगम से पढ़ करके उपदेश से सुनकर जो बंद की जानकारी तुम्हें हो गई है, जिसको तुमने जान लिया, हम बंद को जानते हैं। ईव के सुभाष व्यकारी भाव में रुकना सो भाव बंद है, और कर्म प्रदेशों के साथ जीव का एक क्षेत्र अवगाह रूप से रुक जाना, ये द्रव्य बंद है। बंद है, निर्बंध नहीं है, और बंद बंद में है, मेरे में नहीं। बंद के काल में भी आत्मा निर्बंध है। दो मिलकर के कभी एक नहीं हो सकते। इस बंद के काल में भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, और कर्म का कोई भी परमाणु जीव रूप नहीं होता। कर्म जीव के कार्य को बलात् नहीं करते, और जीव कर्म के कार्य को, कर्मण वर्गणा को या पुद्गल को कर्म रूप नहीं परिणमाता। उस काल में भी जीव अपना परिणमन करते हैं और कर्म अपना परिणमन करते। अब ज्ञानी ऐसा समझते, इसलिए कर्म के उदय काल में भी वे अपना परिणमन करके आनंदित रहते हैं, और अज्ञानी नहीं समझते, सो उसमें जुड़ जाते, घुस गए वहां, अपना उपयोग जोड़ लेते हैं।
और दुखी होते जबरन, क्या करें हमारी बड़े पाप का उदय। अरे उदय उदय में है, रहने दो। कितनी चर्चाएं की थी इस प्रसंग में, देह अगर रोग रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भेद ज्ञान करके आनंदित रहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर तुम अनादर करने के लिए स्वतंत्र हो तो अभी हम भी समता रखने के लिए। तुम उपसर्ग करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी निरुपसर्ग में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। निरुपसर्ग रहने के लिए, आत्मा में रहने के लिए स्वतंत्र है। तुम स्वतंत्र हो तो हम भी तो स्वतंत्र हैं, हमका परतंत्र है। ये बाल बच्चे बात नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी अपने विरक्त हो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम नहीं सुनो तो हम मौन रहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी अपने मौन रह करके अपनी कर ले। साध ये निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में, कुंद कुंद स्वामी का आदेश समझो। हे साधो हैं, कौन को समझा कौन समझे, जिस इसकी योग्यता होती है समझता जाता है अपने पुरुषार्थ से, अपने विनय से, अपनी भक्ति से। और नहीं तो तुम लाख समझाओ, हमारी समझ में ही नहीं आ रही, हमारी समझ में ही नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में आएगी ही नहीं, अभिमानी को समझ में आती आ सकती नहीं। अचंभा है, तुम्हारी समझ में नहीं आती तो भी तुमको ये नहीं लगता ये अभिमान है। शास्त्र तुम्हें झूठे दिखाई देते हैं। जिसको है ये शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें समझ में नहीं आती है, ये अभिमानी नहीं तो कौन है। शास्त्र में लिखा ना, अभिमानी को समझ में नहीं आती। जिसको ये समझ में नहीं आता, देह भिन्न है, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, ये समझ में नहीं आता तो बताओ अभिमानी नहीं है, मोही नहीं है, तीव्र मोही अभिमानी। वो कहता हमको अभिमान नहीं है, जिनको अभिमान है हमको नहीं है, हमारी समझ में नहीं आता। जिसको ये समझ में नहीं आता मान महाविस्वरूप, क्रोध समान अग्नि नहीं है, अति क्रोध जल बुझा, क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा, ये समय हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में ये आता है कि कोई एक सुना था हम चार सुना, कोई इतने जोर से बोले तो हम इतनी जोर से बोले, ये समझ में आता है। और ये समझ में नहीं आता ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। अरे रे प्रभु, नहीं बंद चिंता से छुटे। भगवान आत्मा उत्तम तत्व है, क्यों? भगवान आत्मा है आनंदमय है, कल्याणमय है, ज्ञानमय है, प्रभुतामय है। और आत्मा के आश्रय से ही ज्ञान दर्शन शोक प्रभुता प्रकट होती है। पर्याय है आत्मामय होती है तभी पर्याय ज्ञानमय होती है। जो पर्याय आत्मामय होती है, आत्मा के साथ भिन्न होती है, वही पर्याय ज्ञानमय होती है, वही सम्यक दर्शनमय होती है, वही चारित्रमय होती है, वही सुखमय आनंदमय होती है, वही प्रभुतामय होती है, प्रभु होती है। इसलिए आत्मचिंतन उत्तम चिंतन है, क्यों? आत्मा उत्तम है। आत्महित यह उत्तम चिंतन है। इस उस उत्तम में भी जैसे अपने उत्तम मध्यम जगन पात्र लिखे हैं शरणानी होंगे, उत्तम पात्र मध्यम पात्र जगन पात्र दान के, मुन्नराज को उत्तम पात्र कहा, देशवृत्ति श्रावकों को मध्यम पात्र कहा, और जगन को अविरति श्रावक को जगन कहे। अब ग्रंथकारों ने उत्तम में भी तीन कही, तीर्थंकर साधु उत्तम उत्तम, उत्तम में भी उत्तम बोलो है सैली, गर्धर आदिक आचार्य आदिक
माध्यम है। बैयावृत्ति में लिखा जिन्होंने आचार्य की बैयावृत्ति करी उन्होंने सर्वसंघ की बैयावृत्ति करी। तो सर्वसंघ की कैसे हो गई? तो भैया आचार्य संघ के संचालक हैं आचार्य। लौकिक में एक दृष्टांत बताए, तुम्हें बुखार आया तुम्हारा अकेले का नुकसान होगा और हमें आएगा तो ये लोग व्यवहारिक बातें हैं। तो जिसने आचार्य की बैयावृत्ति करी उसने सर्वसंघ की बैयावृत्ति करी, तो उनको उत्तम में मध्यम कहा। और फिर सर्व साधक साधु जो है ना वो उत्तम में जगन हो गए। ऐसे ही मध्यम में उत्तम, मध्यम जगन, ग्यारहवीं दसवीं ग्यारहवीं प्रथमाधारी उत्तम में वो मध्यम में उत्तम, और सातवीं से मध्यम में मध्यम, और छठवीं तक कैसे मध्यम में जगन। और अब जगन्य में मध्यम और जगन्य में उत्तम है। जगन्य माने अविरति है, अभी देश व्रतों की सीमा नहीं, अनुव्रत ग्रहण नहीं किए, प्रतिमा ग्रहण नहीं करी है, लेकिन अपना घर छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब भोग भोग छोड़ दिए, मैंने बड़े संतोष से शांति से अपने रह रहे हैं, जगन्य में उत्तम। और अल्प आराम परिग्रह में संतुष्ट होकर के अपने घर में रह करके जो है जगन्य में मध्यम, और बहुत आराम परिग्रह है अभी, तो फिर जगन्य में जगन, जगन्य में जगन। सामान्य लोग अपने होते हैं आपस में, जगन्य में जगन, जगन्य में मध्यम, जगन्य में उत्तम। ऐसे यहां उत्तमा स्वात्म चिंता से आज, अब उत्तम में भी तीन भेद कर ये कहना है। अपने त्रिकाल ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन व उत्तम चिंतन है। और परिणति में अनादिकाल से आत्म स्वभाव को नहीं भूला और अहित रूप अहित के कारणों रूप परिणम रहा है, अहित और अहित के कारण रूप परिणम रहा है। ऐसा जीव या वीतरागी देव के समीप आया, गुरु के समीप आया, जिनवाणी सुनी तो मेरा हो ये इसमें हमारा कोई हित नहीं है, ये तो सब यहीं रह जाएगा, ये एक काम नहीं आएंगे। इस लोक की सामग्री परलोक में काम तो नहीं आती, इस लोक की सामग्री इस लोक में भी काम नहीं आती, कौन बांटेगा उस वेदना को, कौन बांटेगा उसको, और बांटना चाहे तो भी कैसे बांटेगा। जब तुमने व्यापार अकेला किया है, वो भाव अकेले किया है, तो उस भाव से होने वाली वेदना को अकेले ही भोगना होगा। सब लोग खड़ी खड़ी राग से स्वयं दुखी हो सकते, तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकते, कौन बांटेगा। अभी एक बात सुना था, देखो विनय पूर्वक किया गया अभ्यास है उसका आप शब्द भूल गए, परलोक में भी काम आता है। विनय पूर्वक किया गया तत्व का अभ्यास माने सुना हुआ तत्व ज्ञान, पढ़ा हुआ तत्व ज्ञान, विचारा हुआ तत्व ज्ञान, याद किया हुआ तत्व ज्ञान, घोका हुआ तत्व ज्ञान, उपदेश दिया गया तत्व ज्ञान, इसका नाम अभ्यास। ऐसी शैली अपना माने उसमें वो दौर भी जाए और वो बात भी बन जाए, समझ में। विनय पूर्वक किया गया तत्व का अभ्यास अर्थात विनय पूर्वक बांचा गया शास्त्र ज्ञान, बांचने से होने वाला तत्व ज्ञान, विनय पूर्वक बांचने से होने वाला, अभिमान से बांचने वाला नहीं। ही मजी बम धब्बम अकड़ तो तुम पहलेंगे कछु नहीं होने। विनय पूर्वक बांचा गया तत्व शास्त्र ज्ञान, विनय से सुना हुआ उपदेश है, विनय से पूछा, अति कुछ पूछना हो तो अति विनयवान होकर पूछता है, भेजो उत्तर दें तो उसका बारंबार विचार कर, फिर विचारा हुआ तत्व ज्ञान, बारंबार आत्महित की दृष्टि से विचारा गया तत्व ज्ञान, मैं दूसरों को कैसे समझाऊं इसका विचार चिंतन चलता है वो गलत है,
वो नहीं, अब इसमें से मेरा हित कैसे हो ये चिंतन आना चाहिए। ये जो शास्त्र में कहा गया है आचरण, वो मेरे जीवन में कैसे आवे, ऐसी क्षमा मेरे में कैसे आ जाए। धन्य यशोधर मुनि सी समता मेरे जी, ऐसी क्षमता मेरे जीवन में कैसे आए, इसका चिंतन करो। तो आत्मा का मेरा हित, इसमें तो हमारा हित है नहीं, इसमें हमारा हित नहीं है। जो हम परिग्रह के विस्तार में लगे हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा भोग संयोगों में लगे हैं, अपनी सुविधाओं को जुटाने में लगे हैं, इसमें हमारा हित नहीं है। हित तो नहीं है, अहित है। हित तो नहीं है, अहित है। एक हित नहीं है तो अहित भी नहीं है, एक और पड़ा पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, हित तो नहीं है। जैसे अपने कलश टीका में पंडित राजमल जी ने कहा, ये व्यवहार चारित है उसका साधक तो नहीं है। अगर अटक जाए, संतुष्ट हो जाए उसको परमार्थ मान करके, तो उसी को परमार्थ मान करके इस व्यवहार में अटक जाए तो ये साधक तो नहीं है, उल्टा बाधक है। बिना भूख का किया हुआ भोजन है, बिना भूख का किया हुआ भोजन, बीमारी में किया हुआ भोजन, डॉक्टर मने करा तुम कह रहे कुछ खा ले है, तो वो भोजन किया गया भोजन हित तो नहीं करेगा, उल्टा हित करेगा। ये कहने का ये समझ, ऐसे ही इसमें हित तो नहीं है, उल्टा अहित है। क्या अहित है? अवसर तो चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा, और जिनके मुंह में हम रहे वे सब यही रह जाएंगे, वे सब अलग हो जाएंगे। ब्याह कुटुंब के हित हम किए अनेको पाप, सो कुटुंब अग्नि जला, परे नरगत दुर्गति आप। या लक्ष्मी के हित हम किए अनेको पाप, सो लक्ष्मी ताई रहे, परे नरक में आप। हित तो नहीं है, उल्टा हित है। इनकी संभाल में, चाहे वो शरीर हो चाहे संयोग हो चाहे कहीं भी हो, इनकी संभाल में अपने परिणाम बिगड़ रहे, अपना अहित है। अपने लायक अपनी चीज रखी, बाबा जी से कहा, बाबा जी ये कपड़ा रख लेने का मोटो अच्छो काम आएगा, अब जाड़े आए भैया जब आए तब देखेंगे। अब हम पे अपन जो बताओ, हम कपड़े समाते रहे आत्मा कब समारेंगे? हम ये कपड़े संभालते रहे आत्मा कब संभारेंगे? इसीलिए तो हमारे गुरुओं ने कपड़े नहीं रखे। हमारे गुरुओं ने कपड़े क्यों नहीं रखे? तो कपड़े संभालते रहे आत्मा कब संभाल, अपने परिणाम संभारेंगे क्या? कपड़ा संभालते रहे, अब जब उन्होंने तो बिल्कुल नहीं रखे तो कम से कम तुम फालतू तो मत रखो। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं रखे तो कम से कम तुम फालतू तो मत रखो भाई, जीते हैं देते हैं, जब आ गए हो तब दे गए। हाँ, अपने हित का चिंतन करो, इनमें हमार क्यों का कर, ठीक तो है, चल तो रहे, ए चल रही जी व्यवस्था बनी नहीं है ने, भरोसे मत रहो। अंधेरा होगा, खोज लो ठिकाना, यहां से जाना होगा, ठिकाना सोचो। ये तो ये स्थाई व्यवस्था नहीं है, स्थाई व्यवस्था करो। इनमें अपना हित नहीं है, हित का चिंतन करो। हित तो आकुलता बिन कहिए, हित के उपाय का चिंतन। देखो हित का चिंतन बहुत बहुत पहली सीढ़ी है, नंबर एक की, और हित के उपाय का चिंतन ये दूसरी सीढ़ी है। और हित के उपाय में दो बातें, फिर एक निश्चय एक व्यवहार, तो व्यवहार से निश्चय की ओर चलेंगे। हित का चिंतन करो, कौन सी संगति में हमारा हित होगा,
परिणाम चढ़ेंगे। मोह बड़े परिवार की संगत, क्रोध बड़े नर मूड की संगत है, लोभ बड़े धन की संगत, परिग्रह की संगत। समझ में आया ना, काम बड़े स्त्री की संगत, ऐसे सब लिखे हैं सब उसमें। तो भैया कौन की संगति में हमारा हित है? क्यों ऐसी भावना भाई है? धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, बेसावधान रखें गाफिल न होने पाओ, परिवार मित्र जन से बता। ये का इनसे द्वेष कर रहे, इनसे राग कर रहे, क्या मतलब है? जे जीव है सो जे जीव है, अरे जे जीव है जे भुलाने वाले हैं, और जे जीव याद दिला रहे, जे सावधान कर रहे, वे गाफिल कर रहे। माने हित में बाधक कौन है, हित में साधक कौन होगा? हमारे इस हित में साधक कौन होगा? वीतरागी देवगुरु सर, कोई धर्मात्मा हमारे हित में साधक होंगे। ये मोही जी शरीर के मोही हमारे साधक नहीं होंगे। तुम जन कादिक देह संबंधी, तुम जनकादिक देह संबंधी, कब मैं साथ स्वरूप धरूंगा उसमें दिखा देखना। तुम जनकादिक देह संबंधी मेरे तो नहीं है। अब देह को अपना मानने वाले को, जीव को ये लगता है ये मेरे संबंधी है, उनको ऐसा लगता है ये मेरे संबंधी हैं, तो समझ लेना चाहिए देह को अपना मान रहा है, ये पहचान है। एकदम लगता है हमारा घर, हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारा हमारी चाची, हमारा लगता है। क्यों लगता है? ये हम अपने को देह रूप धरते, अगर देह छूट जाए तो फिर ये नहीं लगेगा ये हमारे। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये तब लगेगा जब आत्मा मेरा है, ये लगेगा। आत्मा है जब तक ये तक तुझे भाषित नहीं होगा, तब तक परमाणु मात्र मेरा नहीं कह सकते हो, थोड़ी अनुकूलता में विचार कर सकते हो, लेकिन लगेगा नहीं। ढेर सारी राग द्वेष अपेक्षाएं खड़ी होंगी, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए। कोई सोचता ही नहीं, हमारी कोई नहीं सोचता। अरे तुम ही अपनी नहीं सोचा, तुम्हारी को सोच, समझ में आया ना। तो हित की चिंतन करना माने हित के उपायों का चिंतन करना, और फिर वहां भी पहुंचेगा तो हित तो अपना अपने आश्रय से होगा, आत्मा के आश्रय से हित होगा, ये चिंतन करना। ठीक है भगवान के समीप भी जाए तो हित तो अपना से होगा, समोसार में भी पहुंचो तो समझना तो खुद पड़ेगा, बे तो सही समझा देंगे जबरन। मां बना करके रोटी ऐसी मुंह में कोर रख देगी, निकलना तो तुझे पड़ेगा, पचाना तो तुझे पड़ेगा। मां निकलेगी और पचाएगी तो नहीं, विचार करो। जिनवाणी सुनकर के भी हित तो हम अपना हित तो अपने को करना पड़ेगा, समझना खुद ही पड़ेगा। क्यों ये चिंतन एक सीढ़ी और चढ़ आया, और अपने हित स्वरूप हित की चिंता छोड़ करके हित स्वरूप का चिंतन करना, शुद्ध न्याय के विषय में आ जाना, ये उससे उत्तम उत्तम आचरण, उत्तम उत्तम चिंतन। इससे उत्तम के इसकी उत्तम चिंतन नहीं है, फिर तो अनुभव नहीं। इसके आगे उत्तम चिंतन है, इसके आगे कोई चिंतन नहीं, इसके आगे तो चिंतन का काम खत्म, सीमा समाप्त, अब तो अनुभव आना। समझ में आए ना, ऐसे उत्तम उत्तम। हित में बाधक कौन है? बड़ी बड़ी प्रकार ये हमारे जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर दे वो हित में बाधक है, मोह को पोषते हित में बाधक है हमारे। सावधान रहना, मोही जनों की संगत में नित सावधान हो,
धन धन सिर ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान हो, उनके अनुशासन में रहकर। क्यों तो भाई, ये तो उनकी साक्षी में होगा लेकिन उनसे तो नहीं होगा, तो अपने उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी, जिन शासन की प्रभाव ना निर्दोष हो स्वामी, निज आत्म की आराधना स्वतंत्र हो स्वामी, निर्दोष हो स्वामी। उत्तमा स्वात्म चिंता विचारना। ओम नमः।